चलो चलो मैं हूँ आपके साथ यार, चलो चेंज कर दिया। क्योंकि सीमित लोग ही होंगे और हम ऐसा कुछ नहीं चाहते कि अयोध्या वासियों को परेशान हो। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज सोच रहे होगे आप कहाँ गया। देखो अभी मैं इधर हूँ मियांवाला चौक में। आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा, बस आप व्लॉग के साथ बने रहो। बाकी बहुत टाइम बाद ये व्लॉग कर रहा हूँ यार मैं, एंड वैसे रोज वीडियोज तो लाता ही हूँ बट आज व्लॉग किया, आपको दिखाएंगे क्या क्या है। बस मैं भी किसी का वेट कर रहा हूँ, तो जैसे ही वो आते हैं यार पता नहीं कब आएंगे, मेरे को बहुत जल्दी बुला दिया, तो जैसे ही वो आते हैं तब चलते हैं अपना करते हैं आगे का। भाई हम पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। कब से बोल रहे लाल वाली उंगली तो है, उंगली काट दो क्या होगा ना, उंगली काट दो, वो तो काटी हुई उंगली की उंगली से कर रहा है उसको, और डाल और डाल, मैंने अंगूठे से लगा ऐसे 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 ऐसे। तो भाई जैसे आप देख रहे हो अभी जैसे शोभा यात्रा है, तो जैसे अयोध्या में राम मंदिर पर जैसे अभी 22 से ना, तो उसकी एक शोभा यात्रा इधर से निकल रही है, तो उसी के उसमें आज एक रैली निकलेगी बड़ी तगड़ी सी। बाहर थोड़ा गाड़ियां भी आ चुकी हैं, एकदम तगड़े झंडे वंडे भी आ रहे हैं अभी, बाकी यहाँ पर टिक्के लग चुके हैं, अभी बहुत लोग आएंगे। तो भाई भंडारे की भी फुल व्यवस्था है इधर, अभी खाना वाना बन रहा है, मस्त होगा एकदम भंडारा भी, फुल मज़ा आने वाला है एकदम रैली में। बाहर गाड़ियां भी आ चुकी है, झंडे लगाएंगे गाड़ियों पर, निकलेंगे यहां से उसमें लगाओ। ये अरे झंडे डंडा, एक डंडा बड़ा तो लेते इसका। भाई अभी चलते हैं, अभी ये किस किला है आप इस पे, यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे लगाते हैं। तो भाई हो गया हूँ मैं तैयार, देखो ज़रा दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे रख के हो रहे गाड़ियों पे झंडे झंडे लग रहे हैं इस पे, तो इसे यहीं रहने देंगे, हम जाएंगे इसमें भैया में, झंडा इसमें हो गया, बाकी अभी वहाँ उधर पे हो रखा सब कुछ, अभी दिखाता हूँ आपको, चलते हैं उस साइड। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया मेरे को अलग ही बना रहे, बस थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। है भैया सबसे डिफरेंट दिखाओ, ये देखो उत्सव के बारे में दो लाइन है, ठीक है। हम देवपुरम से हैं, तुनवाला से, मैं देवपुरम के अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम आशा भट्ट है, ये मेरे साथ के हैं। आज ये रैली कहाँ तक जाएगी हमारी? ये रैली जाएगी हमारी रायपुर तक जाएगी। हाँ जी, रायपुर से फिर मियांवाला आएगी, फिर मियांवाला से वापस यही तुनवाला आएगी। ठीक है जी, धन्यवाद। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, आप जय श्री राम। मेरा नाम जगदीश प्रसाद सेमवाल है, मैं पूर्वी सैनिक, और आज जो ये शोभा यात्रा निकल रही है राम अयोध्या के लिए है, जो हमारा राम अयोध्या बन गया है, और उसके शुभ उपलक्ष्य में आज ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है तुनवाला, आप ये कहते हैं लोअर तुनवाला क्षेत्र से। और ये कहाँ तक जाएगी कुछ? ये लोअर तुनवाला से आपके तुनवाला से आपके कहते हैं हरी वाटिका वेडिंग पॉइंट से आपका नीचे कसूरी चौक से आपके मियांवाला से वापस आएगी, वापस आके फिर भंडारा भी है। फिर भंडारा नहीं है, भंडारा ये सामने किसी का है, और ये कहते हैं हमारा जो है वो प्रसाद वितरण किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। उत्सव के बारे में कुछ दो लाइनें, किधर तक जाएंगे हम, कैसा कैसा रहेगा? दुनिया को मालूम है इस उत्सव के बारे में जी, 500 साल के बाद में भगवान श्री राम अपने घर में पधारने वाले हैं। हाँ जी, रामलला का मंदिर का मैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, तो उस सिलसिले में वहाँ से पूजित अक्षत आए हैं अयोध्या जी से, और उनका वितरण हर क्षेत्र में हो रहा है, तो आज यहाँ मियांवाला नथनपुर और ये जो आसपास का इलाका है, इस विक्रम के निमित्त जो है ये शोभा यात्रा निकल रही है जी, और सब लोग बड़े उत्साह में हैं,
और 22 तारीख को सब अपने अपने मंदिरों में पूरा कार्यक्रम करेंगे, भजन होगा, कीर्तन होगा, और हो सके तो अयोध्या चलेंगे। सुंदरकांड के नहीं, 22 को नहीं जाएंगे। हाँ जी, 22 के लिए मना है, इसलिए कि व्यवस्था की दृष्टि, हाँ जी, क्योंकि सीमित लोग ही होंगे और हम ऐसा कुछ नहीं चाहते कि अयोध्या वासियों को परेशानी हो। तो अयोध्या वासियों को परेशानी होगी तो राम जी तो थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना। नहीं, हाँ, 22 को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद जब भी हमको अवसर मिलेगा अपने अपने हिसाब से जाएंगे। हाँ, जानकारी मिली है कि 25 तारीख को ये गाड़ी देहरादून से जाने वाली है, और भी गाड़ियाँ 25 के बाद, तो उसके बाद सब लोग अपनी सुविधा के अनुसार आमंत्रित हैं। आनंद, इस आनंद उत्सव में सब लोग आए हुए हैं। जी धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। रुद्रेश शर्मा जी, श्रीमती बहन पुष्पा बड़थवाल जी, श्रीमती पूजा देवी जी, हमारे पार्षद, आप सब एवं पूरे राम भक्तों का, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग और बच्चों का, सबका आज की शोभा यात्रा में अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। राम दरबार की गाड़ी को आगे कर दीजिए। जो हमारे आज का मुख्य उद्देश्य है शोभा यात्रा निकालना, उसमें हमारे प्रभु राम दरबार की जो भव्य मूर्ति है उस गाड़ी को आप आगे कर दीजिए। हजार से ऊपर लोग हो गए भाई, बस अब मजा आने वाला है। ये देख लो जरा पीछे का नजारा, तो आगे लो आगे, चलो चलो मैं हूँ आपके साथ यार, चलो बस बस, अरे यहाँ नहीं आना था, यहाँ नहीं आना था, बस चलो चलो, अरे मैं हूँ आपके साथ, चलो ना मैंने। भाई हमारी रैली हो चुकी है, इधर तक मेन रोड है, अब यहीं से वापस चलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। फोटो एक फोटो की इस दुमई पे वाइट वाइट हो आगे। तो भाई अब यहीं से वापस जा रहे हैं, यहीं पे आया था मैं सुबह। Yeah.
वापिस जा रहे हैं अंदर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरा बोला जाएगा कह देना जय सिया राम। कैमरे में देखो, कैमरे में बता तुम्हारा सदा नाम। भाई अब हो चुका है खत्म, अपनी ड्रेस उतर रही है। जल्दी से पहुंचते हैं घर, उतार दिया भाई मैंने अपनी ड्रेस, मिलते हैं आपको। कैसा लगा जल्दी कमेंट्स में कर दो भाई, जय श्री राम कर दो। 22 जनवरी 25 जनवरी, वैसे 22 को तो मना ही है क्योंकि इतनी भीड़ हो जाएगी उधर, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसके लिए बस ऐसे ही बोल रहे हैं कि 22 को बहुत आ जाएंगे ना, फिर उधर थोड़ा टेंशन हो जाएगी। तो अभी चलो इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। कमेंट में भर दो भाई जय श्री राम, जय श्री राम। और मज़ा आ गया तो एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो कर दो। मिलते हैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।